अंतम अवदैगी ते अकत्तर होई सारी गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला प्यार भरी फतेह बुलाउणा। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए, कले आए नानका सदे उठ जाए दे मां वाक अनुसार। साडे बहुत ही सत्कारयोग मेरे बापू जी सरदार सुखदेव सिंह जी सिद्धू साहब, जो कि अपनी जिंदगी दे विच इन्होंने चंगे काम किए और उस जिंदगी नूं भोगदिया होया पिछले कुछ दिनों तो अज संसार तो चले गए। मेरे तो पहला बोलदिया होया बुलारिया ने जिमें उन्हां बारे जां परिवार बारे दस्या। मैं गल कहांगा कि अज उन्हां दे जान दे नाल केवल सिद्धू परिवार नूं ही नहीं बल्कि समुचे जीरे इलाके नूं ना पूरा होण वाला घाटा पिया, क्योंकि इंसान दुनिया ते आउंदे ने चले जांदे ने, पर कुछ इंसान इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े आपदे परिवार लई नहीं बल्कि अपने इलाके लई अपने लोकां लई एक मिसाल बन के छड़ जांदे ने। और इस तरह ही साढ़े बहुत ही सत्कारयोग बापू जी सरदार सुखदेव सिंह जी सिद्धू साहब ने जो जीरे इलाके लिए किया, वो अज ठीक है कि असी सियासी लोग स्टेजा ते कहने बोलते हैं पर इन्होंने किया ते करके विखाया। बहुत वड्डा उपराला लड़कियां दा कॉलेज, और अज मैनू अज भी याद आ कि मैनू इन्होंने फोन किया, मैं चंडीगढ़ सी, कहिंदे अखां दा हॉस्पिटल जिहड़ा है वह आपां जीरे दे विच बना रहे हैं तां कि गरीब लोगों नूं इह सहूलत जिहड़ी मैडिकल सहूलत जिहड़ी उह मिल सके। और इहो जिहे उपराले जिहड़े आ उह हर एक दे वस दी गल नहीं, क्योंकि परमात्मा वल्लों ड्यूटियां लगियां ने और इन्हां ने इह जिहड़ी ड्यूटी सी बड़ी तनदेही नाल निभाई। इन्ना कुछ कहिंदा आ आखिर विच मैं शरदा दे फुल भेट करदा ते परमात्मा अगे दे चरणा च इह अरदास बेनती करदा कि बापू सुखदेव सिंह जी नूं अपने चरणा विच निवास स्थान बख्शन, पिछे परिवार नूं ते सानूं सारयां दा सारयां नूं भाणा मनन दा बल बख्शन। फतेह बुलाउंदा, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह।